नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल जी के वार्ट में। तो दोस्तों, आज का जो पेंटिंग मैं लेके आया हूँ वो है स्ट्रीट लैम्प। और जैसे कि आप देख सकते हो कि स्ट्रीट लैम्प जो है सेंटर में है और उसके पीछे एक विंडो है वॉल पर, तो बैकग्राउंड में बस वॉल और विंडो है। तो पहले मैं बैकग्राउंड को कलर कर रहा हूँ और सबसे पहले जो कलर मैंने लिया है वो है लेमन येलो, और लेमन येलो के बाद जो कलर मैंने लिया है वो है डीप येलो। और मैं लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में कलर करते हुए जा रहा हूँ दोस्तों, और बिल्कुल हल्के हाथों से, मैं प्रेशर का अप्लाई बिल्कुल नहीं करूँगा। दोस्तों, आपको पहले जब आप फर्स्ट लेयर जब आप करोगे तो बिल्कुल आपको हल्के हाथों से कलर करना पड़ेगा, उसके बाद आप धीरे धीरे डार्क करते जाओगे। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑरेंज लिया और उसको ब्लेंड कर दिया फिंगर्स की मदद से, और उसके बाद ब्लेंड करने के बाद जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है प्राइमरी रेड। और कलर करने का डायरेक्शन जो है सेम ही है, लेफ्ट टू राइट, और बिल्कुल हल्के हाथों से मैं कलर को अप्लाई कर रहा हूँ पेपर पर। ऊपर जो कलर मैंने यूज़ किया वो है ब्राउन। और अभी मैं ब्लेंड कर दूंगा। दोस्तों, ब्राउन मैंने ऊपर यूज़ किया क्योंकि मुझे ऊपर शेडो दिखाना है, और मैं अभी फिंगर से ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंड करने के बाद मैं ब्राउन और थोड़ा अप्लाई करूँगा ऊपर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करना है ऊपर। और विंडो के अंदर भी मैं ब्राउन कलर का अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, आप ऑरेंज यूज़ कर सकते हो, या फिर ऑरेंज के बदले आप वर्मिलियन ह्यू भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। और विंडो के अंदर जैसे कि आप देख सकते हो मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ, और ऊपर और थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। और जो आपको येलोइश जो पार्ट आपको छोड़ा हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, उस पर मैं ब्राउन नहीं करूँगा, उसको मैं वैसे ही रखूँगा। और अभी मैं ब्लेंड कर रहा हूँ फिंगर्स के मदद से, और अभी मैं स्ट्रीट लैम्प को कलर कर रहा हूँ, और जो कलर मैंने लिया है वो है लेमन येलो। और बिल्कुल सेम तरीका है, मैं हल्के हाथों से कलर को कर रहा हूँ, और लेमन येलो को करने के बाद मैं लूँगा डीप येलो। दोस्तों, लैम्प के सेंटर में आप देख सकते हो कि मैंने व्हाइट जो पोर्शन है वो मैंने छोड़ रखा है, क्योंकि वहाँ पे येलो कलर या फिर दूसरा कलर नहीं करना। और अभी जो कलर मैंने लिया है वो है डीप येलो। और डीप येलो कलर को भी मैं बिल्कुल हल्के हाथों से अप्लाई कर रहा हूँ। और अभी मैंने लिया है ऑरेंज, और अभी फिंगर से मैं ब्लेंड कर दूंगा लैम्प के अंदर के कलर को। और थोड़ा सा मैंने लिया था दोस्तों ब्राउन लैम्प के अंदर का जो कलर है उसमें, और अभी मैं ब्राउन कलर ही यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क करके अप्लाई कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ताकि आप लोग इसे कर पाओ, घर पर प्रैक्टिस कर पाओ और अच्छे से बना पाओ। तो इसलिए मैं बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों, फिर से मैंने विंडो के अंदर जो कलर लिया है वो है ब्राउन।
और अभी मैं कलर कर रहा हूँ पीछे का वॉल जो है उसको, और मैं कलर में सेमी लिया है मैंने ब्राउन। और फाइनली दोस्तों मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ और ब्लेंड कर रहा हूँ विंडो के अंदर, जहाँ पे मुझे डार्क पोर्शन दिखाना है, और जहाँ पे मैंने ब्राउन यूज़ किया था वहाँ पे मैंने ब्लैक यूज़ किया है दोस्तों। जैसे ऊपर का जहाँ पे मैंने ज़्यादा ब्राउन यूज़ किया था वहाँ पे मैंने ब्लैक यूज़ किया है विंडो के अंदर, फिर लैंप में जहाँ पे मैंने ब्राउन यूज़ किया था वहाँ पे भी ब्लैक यूज़ किया, और वॉल पे भी सेम ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह दोस्तों आपको धीरे धीरे करते जाना है। और अभी मैंने लिया है चारकोल पेंसिल, और चारकोल पेंसिल लेके मैं ब्लैक को थोड़ा सा डार्क और ज़्यादा कर रहा हूँ। दोस्तों आप चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास चारकोल पेंसिल ना हो तो आप ग्लास मार्किंग पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि डार्क करने के बाद धीरे धीरे अच्छा दिख रहा है जो स्ट्रीट लैम्प है। दोस्तों एक तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि लोग धीरे धीरे मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं और मेरे ट्यूटोरियल्स को पसंद कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा ऑयल पेस्टल का ट्यूटोरियल मैं डिटेल में दे पाऊँ। तो दोस्तों फाइनली चारकोल पेंसिल से डिटेलिंग करने के बाद हमारा स्ट्रीट लैम्प कम्प्लीट हो गया है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर आऊँगा किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।